Hello? 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 Namaskar, main hoon Dev Kumar Malik. D.K. Malik. Goa Flying Club mein aapka swagat hai. Emergency sevaon mein aapki help ke liye main 24 ghante तत्पर हूँ यहाँ। अरे इमरजेंसी में किस कछुए को बिठा के रखा है यार? क्या स्लो चल यार? नहीं नहीं आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे हम एक प्राइवेट हवाई जहाज में हैं, इसका पायलट बेहोश हो चुका है, हम क्या करें? अरे तो भाई फिर प्लेन कौन उड़ा रहा है? मैं उड़ा रहा हूँ, बमन बमन। हाँ तो बमन बमन। मेरा नाम एक बार बमन है। हाँ तो एक बार बमन, आपने इससे पहले कभी प्लेन उड़ाया है? अरे इसने मक्खी तक नहीं उड़ाई आज तक। आप प्लेन को नीचे उतारने के बारे में बताइए ना। अरे भाई देखिए क्या है कि प्लेन लैंड कराने से पहले हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए और उड़ाने से पहले हमें प्लेन के बारे में जानना चाहिए। तो क्या है कि इस वक्त जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं वो 2084 किलो और 300 ग्राम का है। पिस्टन टेक्नोलॉजी, दो प्रोपेलर और दो पायलट कंट्रोल वाला एक प्राइवेट प्लेन है। दो इंजन, दो फैन और पहिए तीन। अरे नीचे कैसे उतरे? उतरने के लिए दो द्वार पीछे और एक इमरजेंसी द्वार कॉकपिट में है। और कुल मिलाकर बात यह है कि यही है। बकवास बंद कर! और नीचे कैसे उतरना है वो बता जल्दी। अरे भाई जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसानों को धैर्य रखना चाहिए। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मौत! नहीं नहीं मौत से पहले आपके सामने एक बड़ा सा गोल व्हील है। हाँ, है, है। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। सुनता नहीं यार। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आपका मेन इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है। थैंक गॉड, दूसरा इंजन चालू है। नहीं नहीं इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ओ खुदा! अरे भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। हमारे पास कुछ भी रखने का टाइम नहीं है। ओके, अभी आप एक काम कीजिए, फ्यूल मीटर पर इंडिकेशन देखिए। थैंक गॉड, यहाँ पे रेड लाइट चालू है। मतलब आपका फ्यूल भी खत्म होने वाला है। क्या? अब हम क्या करें? अब आप मेरे साथ साथ दोहराइए। क्या? क्या? हे भगवान हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान हमसे जो पाप हुए हैं उन्हें माफ करना, उन्हें माफ कर दो। हम तेरी शरण में आ रहे हैं। हम तुम्हारी शरण। ए, चुप, हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते भाई। चाहो ना चाहो एक दिन सभी को मरना है, क्योंकि मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हमसे कभी दूर नहीं रहती। इंसान बेखबर रहता है और मौत पल पल उसके करीब बढ़ती रहती है और अचानक एकदम करीब पहुंच जाती है। सर, मौत हमारे भी करीब पहुंच चुकी है।